बीसी सेल एरिया 4 के वेस्ट मोदीडीह कोल डंप में कोयला आवंटन की कमी के कारण वहां काम कर रहे असंगठित कोयला लोडिंग मजदूरों के साथ बेरोजगारी को लेकर समस्या आ पड़ी है। मजदूर जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, इस स्थिति में लगभग 3 हफ्ते से काम बंद होने से काफी परेशान है। इन्हीं समस्याओं को लेकर बिहार जनता खान मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता राममूर्ति सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र संख्या 4 के महाप्रबंधक जितेंद्र मल्लिक से वार्ता की गई, जिसमें संघ के सुप्रीमो रणविजय सिंह भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वार्ता के दौरान महाप्रबंधक को मजदूरों की सभी समस्याओं से अवगत कराया गया, वहीं इन समस्याओं का जल्द ही समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया। प्रमुख मांगे यहाँ के अंतर्गत वेस्ट मोरिटी में मजदूरों को अभी समस्याएं आ गई है कि कोयला उपलब्ध नहीं हो पा रहा, और विगत इन लोग 1 महीना से कोयला के लिए काफ़ी पैमाम हो रहा था। इस मुद्दे पर हमारा यहाँ के महाप्रबंधक से वार्ता हुआ और काफ़ी संतोषजनक वार्ता हुआ। उन्होंने आश्वस्त किया है कि कल से ही कोयला उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि डेली 3 रेक निकल रहा है। उसके बाद MPL का कोयला जा रहा है, उसके बाद और भी पावर प्लांट्स में कोयला जा रहा है, जिसके चलते मजदूरों को कोयला नहीं मिल पा रहा था। और करीब 15-17 तारीख से ही वहाँ पर मजदूर जो गाड़ी भरते हैं कोयला उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। तो उसको हम लोग अभी बात करके रेक को डाइवर्ट करके हम लोग मजदूरों को कोयला उपलब्ध कराने का मांग किया, और संभवतः हम समझते हैं कि